हेलो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं मोदी सरकार के चार मंत्रियों के बारे में। वे कैसे सरकारी अफसर से मंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। सबसे पहले बात करते सतपाल सिंह की। 1990 के दशक में जब मुंबई में छोटा राजन, छोटा शकील और अरुण गवली गैंग का बोलबाला था, सत्यपाल सिंह क्राइम ब्रांच के ज्वाइंट कमिश्नर हुआ करते थे। इसी दौरान इन्होंने अंडरवर्ल्ड के खिलाफ स्पेशल पुलिस टास्क फोर्स बनाई। दया नायक, प्रदीप शर्मा, विजय सालसकर जैसे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट इसी दौर में हुए थे। सत्यपाल सिंह इशरत जहां केस में बनी एसआईटी के तीन सदस्यों में से एक थे। वे पहले आईपीएस अफसर है जिन्होंने मुंबई पुलिस कमिश्नर रहते हुए इस्तीफा दिया और यूपी के बागपत से भाजपा के टिकट पर चुनाव जीते। अब प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें मानव संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया है। सत्यपाल वैज्ञानिक बनना चाहते थे लेकिन 1980 में महाराष्ट्र कैडर से आईपीएस बन गए। पढ़ाई में इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से केमिस्ट्री में एमफिल किया है। नागपुर यूनिवर्सिटी से नक्सलवाद पर शोध भी कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया जाकर एमबीए की पढ़ाई भी की है। क्यों बनाए गए मंत्री? सत्यपाल सिंह को मंत्री बनाने के पीछे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सामाजिक जातीय समीकरण एक बड़ी वजह हो सकते है। इलाके में जाट समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले संजीव बालियान की छुट्टी हो चुकी है। सत्यपाल सिंह भी जाट नेता है, इसी जगह को वे भरेंगे। राजकुमार सिंह बिहार कैडर के 1975 बैच के आईएएस अफसर रहे। इन्होंने ही 30 अक्टूबर 1990 को आडवाणी को बिहार के समस्तीपुर में गिरफ्तार किया था। उस वक्त वे समस्तीपुर के डीएम थे और आडवाणी रथ यात्रा पर निकले थे। इन्हें ऊर्जा मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। सिंह साहब 30 जून 2011 से 30 जून 2013 तक गृह सचिव रहे हैं। दिल्ली गैंगरेप 16 दिसंबर 2012 को इन्हीं के टाइम में हुआ। इन्होंने 13 दिसंबर 2013 को बीजेपी ज्वाइन की। 2014 के लोकसभा चुनाव में बिहार में आरा में जेडीयू की मीना सिंह को हराया है। हरदीप सिंह पुरी, दोस्तों हरदीप को शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। इनके पिता राजनयिक थे इसीलिए ज्यादातर पढ़ाई बोर्डिंग स्कूल में हुई। दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज से पढ़ाई की, बाद में डीयू के स्टीफेंस कॉलेज में पढ़ाया भी। इसके बाद आईएफएस ज्वाइन कर लिया। इनकी शादी भी एक आईएफएस अफसर लक्ष्मीपुरी से हुई है। 28 फरवरी 2013 को रिटायर हो गए। लंबे समय तक यूएन में भी काम किया है, इसीलिए इन्हें विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों का जानकार माना जाता है। 2 जनवरी 2014 को बीजेपी में शामिल हुए थे। अब बात करते अल्फोंस की। इनको पर्यटन मंत्रालय में स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। 1979 केरल कैडर के आईएएस अधिकारी रहे हैं। टाइम मैगजीन इन्हें 100 ग्लोबल यंग लीडर की सूची में शामिल कर चुकी है। दिल्ली में डीडीए के कमिश्नर रहते हुए 14,310 गैर कानूनी इमारतों को गिराया। इससे सरकार को उस समय करीब 10,000 करोड़ का फायदा हुआ। 2016 में प्रशासनिक सेवा से मुक्त हुए। इन्हें 2011 में नितिन गडकरी ने बीजेपी ज्वाइन कराई थी। तो दोस्तों, ये थे मोदी सरकार के चार ऐसे मंत्री जो नौकरशाह से राजनीति में पहुंचे हैं। आप बने रहे YRY18 के साथ। हॉलीवुड, बॉलीवुड और देश विदेश की महान हस्तियों के बारे में जानकारी के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।